हेलो एवरीवन, आज बनाएंगे एक ऐसी टेस्टी डिश जिसका टेस्ट आप भूल नहीं पाएंगे। आपने मटन की बहुत सारी रेसिपीज़ खाई होंगी, लेकिन इसका टेस्ट कुछ अलग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो सबसे पहले मटन अंगारा का मसाला बनाएंगे। इसी मसाले से मटन अंगारे का टेस्ट अदर मटन रेसिपीज से हटकर बनेगा। तो पैन में डालेंगे 2 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा, 4 लौंग, 1-1 इंच के 2 टुकड़े दालचीनी के, 4 छोटी इलायची, 1 टीस्पून काली मिर्च, 4 साबुत सूखी लाल मिर्चें, 10 बादाम, 10 काजू और अब इन्हें लो फ्लेम पर ही ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इनका कलर चेंज नहीं होने देना, बस इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए, हल्की हल्की खुशबू आने लगे, बस उतना ही रोस्ट करेंगे। तो 2 से 3 मिनट हो गए हैं, गैस की फ्लेम बंद करेंगे और जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए तो इसे फाइन बिना पानी के पीस कर तैयार कर लेंगे। 2 मीडियम साइज़ की प्याज को इस तरह फ्राई कर लेंगे। प्याज को कैसे फ्राई करना है इसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। इसे भी बिना पानी डाले कोर्सली या फाइन पीस कर तैयार कर लेंगे। अब 1 किलो मटन लेंगे और इसमें डालेंगे 1 कप टमाटर का पेस्ट, 4 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 कप विस्की हुई दही, मटन अंगारे का मसाला, फ्राइड प्याज जिसे मैंने पहले पीस लिया है और अब डालेंगे 2 से 2.5 टीस्पून नमक या फिर टेस्ट अकॉर्डिंग, 3 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, 1/8 टीस्पून रेड फूड कलर, ये ऑप्शनल है लेकिन बिल्कुल अंगारे वाला कलर लाना चाहते हैं तो ज़रूर डालें। अब लास्ट में डालेंगे 1/2 कप ऑयल, ये वही ऑयल है जिसमें हमने प्याज फ्राई की थी। ये ऑयल भी इसके टेस्ट को बढ़ाता है क्योंकि इसमें प्याज का फ्लेवर है। तो इस तरह अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे कम से कम आधे घंटे के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा ओवरनाइट तक भी मैरिनेट करके रख सकते हैं। ओवरनाइट या गर्मियों में 2 घंटे या 1 घंटे से ज़्यादा रखें मैरिनेट के लिए, तो रेफ्रिजरेटर में रखें। तो 1 घंटा हो गया मटन को मैरिनेट होते हुए और इसे मैंने प्रेशर कुकर में पकाना था तो उसमें ट्रांसफ़र भी कर लिया है। आप जब भी इसे मैरिनेट करें तो इसे प्रेशर कुकर में डायरेक्ट भी मैरिनेट कर सकते हैं। तो पहले हाई फ्लेम पर इसमें एक बॉयल आने देंगे। तो मटन में बॉयल आना स्टार्ट हो गया है, मिक्स करेंगे। अब डालेंगे 1/2 कप पानी, मिक्स करेंगे और लेड लगाएंगे और हाई फ्लेम पर 1 विसिल आने के बाद लो फ्लेम पर 16 से 17 मिनट रखेंगे और जब प्रेशर अपने आप आउट हो जाए तो ओपन करेंगे। तो प्रेशर आउट हो गया है, ओपन करते हैं। मटन परफेक्टली कुक हो गया है। इसे बनाना बहुत ही इजी है। मसाले और मटन को बिना भुने भी ये बहुत टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो अब देंगे इसमें एक स्मोकी फ्लेवर। तो इसके लिए एक छोटी कटोरी इसके सेंटर में रखेंगे और एक जलता हुआ कोयला इसमें रखकर इस पर थोड़ा सा घी डालेंगे और ढककर 10 मिनट रखेंगे। तो 10 मिनट हो गए हैं, इसे निकाल लेंगे और इसमें डालेंगे 1 से 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो हमारा सिल्की स्मूथ डिफरेंट टेस्ट और फ्लेवर के साथ मटन अंगारा बनकर तैयार है। बहुत ही इजी और डिफरेंट रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप इसे बनाएं और इन्जॉय करें।